नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके चंद्रमा के बारे में। हाथों की लकीरों को देख के कैसे आप अपने चंद्रमा की स्थिति को जान सकते हैं और कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं, पंडित जी से इसे विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपका मन उदास हो या आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तनाव में हैं, खास तौर से हमारी बहनें, माताएं, महिलाएं, तो ऐसी स्थिति में खाना मत बनाइएगा। खराब मन से, परेशान मन से, दुखी मन से बनाया हुआ खाना स्वास्थ्य खराब कर देता है। और अब बात कर लेते हैं 24 सितंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:38 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 9:54 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाथ में चंद्रमा की स्थिति को हम कैसे देख सकते हैं। जी देखिए, अगर किसी आदमी के पास कुंडली ना हो तो उसके हाथ को देखकर, उसकी रेखाओं को देखकर, उसके पर्वत को देखकर भी उसके ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। चंद्रमा को हाथ में कैसे पहचानेंगे? हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के थोड़े नीचे का स्थान चंद्रमा का होता है। सबसे छोटी उंगली जो है इसके नीचे बुध है, उसके थोड़ा नीचे मंगल है, और बिल्कुल नीचे की तरफ का जो ये एरिया है ये चंद्रमा का पर्वत है। इस स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये स्थान जितना साफ होगा, दाग धब्बे नहीं होंगे, निशान नहीं होंगे, कटा फटा नहीं होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इस स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है, और चंद्रमा के स्थान से या चंद्रमा के पर्वत से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थितियां देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा आपका मन कैसा है? आप इमोशनल आदमी हैं, आप कठोर आदमी हैं, आप भावनात्मक हैं, आप यात्रा कितनी करेंगे, जीवन में जल से कोई खतरा तो नहीं है, ये तमाम चीजें चंद्रमा के पर्वत को देख करके जानी जा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी, तो जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है, पैसे की बेहतर प्राप्ति होगी, परिवार के कामों में व्यस्तता बनी रहेगी और
कोई शुभ सूचना भी इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, हथेलियों के चंद्रमा से हम मानसिक स्थिति को कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, चंद्रमा हथेली का हो या कुंडली का हो, ये आपके मन के बारे में सारी जानकारी देता है। आपकी मेंटल स्टेटस कैसी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, ये आप हाथ के चंद्रमा को देखकर भी जान सकते हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो व्यक्ति के मन में चिंता पैदा होती है। जिन लोगों को चिंता करने की आदत होती है उनके हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर यानी इस स्थान पर बहुत सारी रेखाएं होंगी। लगातार दिमाग चलता रहेगा, लगातार चिंता होती रहेगी। इस स्थान पर अगर दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण चिंताएं करता है। मामला कुछ नहीं होता लेकिन व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो गंभीर मानसिक बीमारी, साइकोलॉजिकल फोबिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। चंद्रमा का पर्वत अगर साफ सुथरा है, अगर गुलाबी है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अच्छा और मजबूत बना देता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस बना हो, बहुत स्पष्ट क्रॉस हो, तो व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नाव से यात्रा मत करिए, नदी के बीच में जाकर मत नहाइए। ये तमाम सलाह लोगों को दी जाती है अगर चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस होता है तो। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। इस समय किसी मित्र की सहायता आपको मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न राजेश गर्ग जी ने हमें रुद्रपुर उत्तराखंड से लिखा है। अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। बहन की जन्म तारीख है 24 सितंबर 1985, रात के 11:10 रुद्रपुर उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में समस्या है और फिलहाल वैवाहिक जीवन में मुकदमा भी चल रहा है। इस विवाह का भविष्य क्या होगा और बहन का भविष्य आगे कैसा रहेगा? राजेश जी, आपकी बहन जी की कुंडली में जो विवाह का सुख है वो बहुत ही कमजोर है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस विवाह को चलाने का प्रयास करिए। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से अगले साल के आरंभ में इसमें सेपरेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके बहन की मानसिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं दिख रही है, तो इनकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास भी करिए। अगर संभव हो तो इनका दूसरा विवाह मत करिएगा, क्योंकि दूसरे विवाह में भी असफलता मिल सकती है। क्या उपाय करेंगे? देखिए राजेश जी, आप अपनी बहन को एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहना दें और बहन जी से कहें कि रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और किसी अच्छे मनोचिकित्सक को इनको दिखाइएगा, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न श्रीमती माया त्रिपाठी ने हमें लिखा है, गोरखपुर से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 23 जुलाई 1993,
दोपहर में 2:27 गोरखपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। माया जी, जो समय अभी चल रहा है उस समय के हिसाब से अगले साल के आरंभ में यानी 2025 की शुरुआत में इनका विवाह तय होगा और 2025 के मध्य में इनके विवाह की संभावना बन रही है। जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा, वही बेहतर होगा। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो लाभ होगा। पंडित जी, चंद्रमा के पर्वत से करियर और विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं ये भी बताएं। आम तौर पर लोगों को लगता है कि चंद्रमा मन के बारे में बताएगा, धन के बारे में बताएगा, विवाह और करियर का चंद्रमा से क्या लेना देना है, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में चंद्रमा बड़ा अहम होता है विवाह के मामले में। अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आए तो भाग्योदय विवाह के बाद होता है, यानी अगर भाग्य रेखा यहां से निकलकर जा रही है, नीचे की तरफ से बीच में उठती हुई जा रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा जीवन साथी, बड़ा समझदार और सहायक जीवन साथी मिलता है। चंद्रमा का पर्वत अगर मजबूत हो तो अभिनय के क्षेत्र में जल, जैसे मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं, समुद्र की यात्राएं करते हैं जल के क्षेत्र में, और खान पान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं प्रेम संबंधों और यात्राओं के बारे में बताती हैं। इस पर्वत से सीधी लकीर अगर निकल करके भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो व्यक्ति का सेटलमेंट विदेश में होता है या अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर होता है। तो चंद्रमा आपके करियर के बारे में, आपके सेटलमेंट के बारे में और विवाह के बाद आपके भाग्योदय के बारे में बता सकता है। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। तुला राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, वाहन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, हालांकि व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर हाथ की रेखाओं में चंद्रमा समस्या दिखा रहा है तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपकी हस्त रेखाओं से ये बात प्रकट हो गई, समझ में आ गई कि चंद्रमा समस्या दे सकता है या चंद्रमा समस्या दे रहा है, तो क्या उपाय करें? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए। आप सुबह उठ के सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को अगर देखें तो आपके सारे ग्रह बेहतर होंगे। सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका अंगुली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिएगा। घर में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइए। गले में अगर एक तुलसी की माला धारण करें तो उससे भी चंद्रमा को शक्ति मिलती है। लेकिन अगर गले में तुलसी की माला पहनेंगे तो प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी अगला प्रश्न निशा ओम प्रकाश गोलेचा जी ने हमें लिखा है। निशा हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1993, 9:16 रात को, बाड़मेर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निशा फिलहाल आपके विवाह का समय चल रहा है और प्रयास करने पर जून 2025 के पहले आपका विवाह अवश्य ही होगा किसी नौकरी करने वाले बालक के साथ जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, पुलिस या मिलिट्री के क्षेत्र में नौकरी करता हो। किसी ऐसे बालक के साथ आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा दिखता है, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल निशा आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज पहनाने से आपको लाभ होगा। और साथ में सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी आज का अंतिम प्रश्न सुनीता बराड़ जी ने हमें अंबाला हरियाणा से लिखा है। अपनी पुत्री दीक्षा बराड़ के बारे में पूछना चाहती है। दीक्षा की जन्म तारीख है 30 मई 1994, 2 मध्य रात्रि में, अंबाला। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी के शादी को 3 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो संतान की प्राप्ति कब होगी और उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सुनीता जी आपकी पुत्री की कुंडली में थोड़ी मेडिकल समस्याएं हैं। फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में कोई दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि उसकी वजह से कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी करवाना पड़े, तो सबसे पहले इनकी मेडिकल की बढ़िया से जांच करवाइए और डॉक्टर की सलाह मान करके चलिए। अगले साल के अप्रैल के महीने से इनको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करने को कहिएगा। अगले साल अप्रैल के महीने से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन उसके पहले इनकी प्रॉपर चेकअप करवाइए क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स कुंडली में जरूर हैं। फिलहाल अपनी पुत्री को कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 24 सितंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 24 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी और इस वर्ष आपके लिए विवाह और संपत्ति के योग भी बनते हैं। हालांकि इस साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे, पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी पूजा पाठ और दान कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पितृ पक्ष में पितरों के लिए पूजा पाठ करना और पितरों को याद करके उनके कल्याण के लिए दान करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन पितृ पक्ष के अलावा अमावस्या तिथि जो हर महीने में एक बार आती है, अमावस्या तिथि को भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। और अब पंडित जी से जानते हैं 24 सितंबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में आपके जीवन में सुधार होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में। हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशियों के जीवन में शनि का रोल कैसा होता है, शनि की भूमिका कैसी होती है। और आज की जो गुडलक राशि है वो है मेष। देखिए, मेष राशि वालों के जीवन में अगर शनि समस्या देगा तो जीवन में बाधाएं बढ़ेंगी और करियर कभी स्थिर नहीं होगा। तो अगर शनि आपके जीवन में बाधा दे रहे हैं तो शनिवार के दिन खाने पीने की चीजों का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां हर दिन पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में हम बता रहे हैं एक विशेष उपाय। अचानक से आपका मन एकदम अशांत हो जाए, एकदम बेचैन हो जाए तो क्या करेंगे? जब भी आपका मन अशांत हो, गहरी गहरी सांस लीजिएगा और एक गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन में शिव 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 लंबे समय तक जपते रहिएगा। आपका अशांत मन बेहतर होगा, मन की अशांति दूर होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।